कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। श्री भीष्म प्रसाद कुशवाहा जी के सब भक्तजन के हार्दिक अभिनंदन आ एकदम स्वागत कर रहल छी दिल से। आज शिवरात्रि के महापर्व में सबसे बड़ी खुशी के बात है कि हिंदू के बहुत बड़ा महापर्व जो पूरे विश्व में सब लोग जने से महाशिवरात्रि के हैं। महाशिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व हो जौन बाबा पशुपतिनाथ जहाँ शिवलिंग है पूरे दुनिया में हरेक जगह अपन पूजा पाठ करे से औरत से लेके मर्द लोग सब लोग हमनी का भी वो चीज के आठ जाम करके तीन साल भेले लगाए तीन साल से हमनी का आठ जाम कर रहल छी। कलशा यात्रा निकाल रहल छी बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में कर रहल छी आ सब पूरे भक्तजन के से सहयोग मिले से हमनी का वो चीज के सहयोग करके हरेक आदमी के भोजन निःशुल्क प्रसाद निःशुल्क पानी निःशुल्क हरेक चीज शिविर लगा के सब कोई के सेवा करे छी और सब केहू के बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत हमनी के ओम बोल बम कुमारिया संघ के तरफ से सब केहू के बोल बम बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बम बाबा पशुपतिनाथ की जय। कांधे पे कावर सवार चलिए है तो अपने भोले के द्वार चलिए। हम ओम बोलबम कमरिया संघ के केंद्रीय महासचिव रामनंदन ठाकुर के तरफ से हम अपना केंद्रीय समिति लगाए उप समिति के बारे में कुछ अपने के जानकारी देवे चाहे छी। ओम बोलबम कमरिया संघ अपने के श्रावणी मेला करबै छथुन सुंदरी जल से लिया के जल बाबा पशुपतिनाथ तक ले चढ़ावे वाला कार्यक्रम भी करै छथुन श्रावण महीना में। वैसा ही शिवरात्रि के महीना में शिवरात्रि से एक दिन पहले से जो अठजाम हो अठजाम कार्यक्रम हो जो अठजाम कार्यक्रम में हमरा सबके खान खाना पानी नाश्ता फल फूल लगायत सब चीज निःशुल्क रहे कोई में पैसा न पड़े छे। और ये कार्यक्रम हम सब अपन केंद्रीय लगायत उप समिति के साथी सब मिल के हरेक हरेक साल कार्यक्रम के सफल पारते आ रहा है और बाबा पशुपतिनाथ से आशा रखे और विश्वास रखे कि आवे वाला समय में भी हमरा सबके ओम बोलबम कमरिया संघ के पर हुनकर भोले बाबा के कृपा रहते से आशा और विश्वास रखे और वे विश्वास के साथ हम सभी कार्यक्रम करते आ रहा है। Oh,
नमस्कार, हम ओम बोलबम कुमारिया संघ को केन्द्रीय सचिव। हमी बोलबम कुमारिया ओम बोलबम कुमारिया संघ द्वारा हमी 3 वर्ष देखि यो महाशिवरात्रि अर्जाम कार्यक्रम गर्दै आइराखेको छु। हामी यो कार्यक्रममा 24 घण्टा रामधुन पूजा पाठ रामायण पाठ हुन पुन र त्यो अवधिसम्म निशुल्क खाजा खानाको व्यवस्था गरेको छु। त्यसको लागि हामीले आफ्नै उसबाट डोनेसन गरेर या चन्दा गरेर सङ्कलन गरेर हामी गरिराखेका छौँ। अनि यसको लागि हाम्रो शान्ति सुरक्षाको लागि हाम्रो प्रशासनिक विकास कोषबाट एकदम सहयोग पनि प्राप्त भइराखेको छ। त्यस्तै हामी सुरक्षाबाट पनि एकदम राम्रो शान्तिपूर्वक कार्यक्रम अवधि वर्षमा उहाँहरू पनि सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी एकदम नियन्त्रण गरिराखेको छौँ। संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन।